और अब शुरुआत करेंगे पांच के प्राइम टाइम की। महंगाई, चार अक्षर का ये शब्द कान में पड़ते ही आम आदमी की रूह कांप जाती, कांप जाती थी। जो प्याज एक समय सरकार पलटने की ताकत रखता था, वो आज लगता है कि किस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं के आंसू भी नहीं बहा पा रहा। जो पेट्रोल कभी 25 पैसा महंगा होने के ऊपर सड़कों पर आंदोलन दिखा देता था, वो आज सैकड़ा मारने के बाद भी बर्फ की मानिंद ठंडा पड़ा हुआ है। त्योहार के मौसम में आम आदमी की थाली महंगाई से खाली होती जा रही है, तो ऐसे में मेवे और मिठाई की तो बात ही मत करिए। कीमतों पर लोगों का दर्द सुनते सुनते साल दर साल बीत गए, लेकिन अब महंगाई की बात बेमानी हो चली है, क्योंकि सरकार हो या विपक्ष, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों महानगर में पेट्रोल 100 के निशान के पार है और डीजल सैकड़ा मारने को बेताब है। यही नहीं, पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी महंगाई कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। सच तो यह है कि सिर्फ प्याज के महंगे होने की वजह से सरकार गिर गई है। पहली बार 1980 में प्याज की बढ़ी कीमतों के कारण चुनावी मुद्दा बना था। तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में था। ऐसे में इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में प्याज की माला पहनकर घूमती थी और उस वक्त नारा भी बना, जिस सरकार का कीमत पर जोर नहीं उसे देश चलाने का अधिकार नहीं। लिहाजा जनता पार्टी हार गई। और इसी तरह 1998 में प्याज की बढ़ी कीमतें दिल्ली की बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्दी बन गई। लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो विपक्ष के विरोध में दम नहीं दिखता है। अब सरकार में बैठे हमारे आपके नुमाइंदों पर कोई असर नहीं दिखता। पांच राज्यों के चुनाव सिर पर हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महंगाई और तेल की बदस्तूर बढ़ती कीमतों का चुनावी मुद्दा ना बन पाना विपक्ष की नाकामी है? क्या विपक्ष सत्ता के मुद्दों के चक्रव्यूह में फंस गया है? क्यों जनता महंगाई पर नेताओं के जवाबदेह नहीं बनाती? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई बड़े सवाल रहेंगे, उसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो लगातार महंगाई आसमान छू रही है, आखिर ये महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन रही है? खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जुड़े हैं। दोनों का ही स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और हम रुख कर लेते हैं सबसे पहले सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हम महंगाई को देखते हैं, हर बार कह दिया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक मुद्दा बनकर क्यों नहीं सामने आती है? क्या लगता है आपको? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? में दोबारा अब ये जो आप फ्री भोजन की योजना है, अनाज, तो जो जनता आलू प्याज तेल मिनिमम नीड पर जिंदा थी और उसके आधार पर वोट करती थी, उस जनता के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो वो इसको मुद्दा नहीं बनने दे। आप उस गरीब की झोपड़ी में जाके पूछिए तो कहेगा नहीं, वो अनाज तो फ्री मिल रहा है और ठीक है, थोड़ा बहुत तेल मजबूत है तो ठीक है, क्योंकि हमको मकान मिल गया है, हमको गैस सिलेंडर मिल गया है, विषय बदल गया है। इसलिए महंगाई मुद्दा नहीं बन पाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने अब जान लिया है कि मतदाता महंगाई के हिसाब से वोट नहीं करता है, अब वो सांप्रदायिक मुद्दे पर वोट करता है। उसे 2014 में देखा, 17 में देखा, 19 में देखा और अब 22 में देखा। अब उसको मालूम हो गया, वो दिन भर आर्यन केस, आज अगर आप एक गरीब रिश्ते वाले से पूछिए, अभी भी आपने जो खबर बताई है कि आर्यन की जेल मिल गई है, आप मार्केट में निकल जाइए, बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक सबको ये खबर पता चल गई होगी कि आर्यन को बेल, आर्यन खान को बेल मिल गई। लेकिन यही 30 साल पहले इस तरह कोई केस होता तो कोई उस पर रुचि नहीं लेता कि किसी फिल्म स्टार के बेटे को बेल मिली या नहीं मिली। तो सत्ता पर जानता कि इस महंगाई से, और तब ऐसे कहने वाले भी लोग थे, आज तो देखिए तमाम लोग टीवी पर आके कहते हैं कि नहीं साहब, देश के विकास के लिए 200 रुपए किलो अगर
सरसों का तेल मिलेगा हम लेंगे, पेट्रोल अगर 100 रुपए से ऊपर है तो क्या हमारा देश तरक्की कर रहा है। लेकिन कोई इनसे पूछे कि फिर एक बार में तरक्की की सीमा बता दीजिए, 200 रुपए में तरक्की हो जाए तो एक बार 200 रुपए लीटर लेना शुरू कर दें, बवाल खत्म हो। लेकिन वो वही प्रोग्रामिंग उस ढंग की कर दी गई, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये प्रोग्रामिंग नहीं थी, इसलिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होती थी। आज महंगाई मुद्दा है मिडिल क्लास के लिए, जो वोटिंग पे हमारे बहुत असर नहीं करता है। मिडिल क्लास का आदमी दिन भर बहस करता है लेकिन वो वोट डालने जो सबसे निचले तबके जाता है उसको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, या अपर तबके का जाता है उसको सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्याज 80 रुपए है कि टमाटर 80 रुपए है कि और कुछ तेज है महंगा है। इसमें मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है बदल गई हैं और महंगाई अब एक मुद्दा नहीं हो पा रहा है। चलिए अब बने रहिए हमारे साथ, योगेश जी के पास जाएंगे। योगेश जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपके क्या विचार है, क्योंकि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी एक मुद्दा नहीं बन पा रही है। आश्चर्य पीड़ा इस बात की होती है कि आज विपक्ष के नाम पे कुछ नहीं है, विपक्ष अपनी उन मुद्दों पे उपस्थिति दर्ज ही नहीं करा पा रहा है जो आज देश के अहम मुद्दे हैं। अगर हम महंगाई को लेके चर्चा करें तो महंगाई की दोहरी मार नहीं, हम इसको चौतरफा मार कहेंगे, क्योंकि पहले कोरोना काल में अगर आप देखेंगे व्यापारिक स्तर पे देखें तो व्यापार की जो मुनाफे हैं वो कम हुए, अगर हम नौकरी के स्तर पे बात करेंगे तो नौकरियां जो है पहले से वहाँ सैलरीज कम हुई है, कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 50%, या कहीं नौकरी नहीं रही है। तो आम अगर हम आम जनता को लेके केवल महंगाई की चर्चा करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जिस व्यक्ति की 10,000 रुपए तनख्वाह थी और आज उसकी तनख्वाह अगर हम बात करें, उसकी किचन का खर्चा 3,000 था, वो ना करते करते बिना वजह 4,500 रुपए हो गया और उधर से उसकी तनख्वाह 7,000 रुपए रह गई। तो केवल आदमी आज अपनी रोटी खाने की भी चुनौती महसूस करता है और उसको तरक्की या अन्य कोई चीज या अन्य कोई विकल्प या कोई ऐसी खरीदारी या बच्चों के लिए ख्वाहिश के लिए कोई ऐसी चीजें वो नहीं कर पाता। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष आखिर है कहाँ, उसकी उपस्थिति कहाँ दर्ज हो रही है? क्या सरकार और विपक्ष चोर चोर मोसेरे भाई वाले तर्ज में काम कर रही है? लोगों को इस बात का बिल्कुल भी, विपक्ष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस स्थिति में कहाँ उस दिशा को लेके जा रहे हैं, कहाँ आम जन की जेब पे फर्क पड़ रहा है, उनके उनके उनकी जिंदगी पे इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके बहुत, ये सबसे पहले तो कोमल आपको बताओ, अपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया कि आखिर महंगाई पे विपक्ष दोनों ही गायब है। सिलेंडर जहाँ प्याज पे सरकारें गिर जाया करती थी, आज सिलेंडर की अगर हम बात करें या पेट्रोल की बात करें तो हालात इतने खराब है, कंपनियां सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं, उतने रुपए किलोमीटर दिया जाता है तो कहां से आदमी करेगा। इसका मतलब, इसका दूसरा परिणाम तो है कि क्राइम भी बढ़ेगा, कल को और चीजें भी बढ़ेंगी क्योंकि लोगों का गुजर बसर नहीं हो रहा। लेकिन आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आखिर विपक्ष कहां है, पक्ष कहां है, जहां सरकार 5 रुपए, जहाँ प्याज 5 रुपए महंगे पे सरकार गिर जाया करती थी, जहाँ पेट्रोल 25 पैसे पे हंगामा बच जाया करता था, वो चौराहे आज सुनसान है, वो आज गलियां सुनसान है, वो आज सारे धरने प्रदर्शन की मेन अहम जगह पर सुनसान है जहाँ इन मुद्दों को लेके प्रदर्शन होना चाहिए था। तो बेहद गलत दिशा और दशा की स्थिति में हम पहुंच गए हैं और मुझे लगता है सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इधर विपक्ष का किरदार समझना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सवाल निशान खड़े। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि अगर हम विपक्ष को लेकर बात करते हैं तो हर किसी का कहना कि एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है। हम आज जिस मुद्दे को लेकर ये डिबेट कर रहे हैं, महंगाई आखिर मुद्दा क्यों नहीं बनती, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने सुरेंद्र जी को सुना, उनके अनुसार एक अगर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो वो निष्कर्ष यही लगता है कि शायद विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा इसलिए भी नहीं बनाया जाता कि हो सकता है अगली बार वो सोच रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा भी फायदा होगा। लेकिन इस बीच पिस कौन रहा है? हमारी जनता, जनता पिस रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मुद्दा बना के कोई पेश नहीं कर रहा, ना कोई इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो कारण जो लग रहा है वो यही कि हर कोई अपना अपना भला देख रहा है, आने वाले वक्त में कोई अपना भविष्य लेकर चल रहा है, जिस कारण शायद मुद्दा नहीं बन पा रही है महंगाई। क्या इसमें आपको सच्चाई लग रही है? जी निश्चित तौर पे, इसमें मुझे जो लगता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले लगभग 2 दशकों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैंने तमाम ऐसी चीजें देखी कि महंगाई एक ऐसी चीज होती है जो सरकार की कमर तोड़ देती है, जो मौजूदा सरकार होती है केंद्र में स्टेट में उसको वो हिला के रख देती है। आखिरकार महंगाई पे कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब इनके तो घराने चल रहे हैं, नेताओं के, पार्टियों के, इनसे
जितने तमाम जुड़े नेता इनके घर चल रहे हैं, लेकिन आम जन पे जो इस समय प्रभाव पड़ रहा है वो वाकई बेहद हिला देने वाला है। अगर हम देखिए, पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से सब्जियां महंगी होती है, अन्य प्रोडक्ट महंगे होते हैं, उसमें कोई कोई सवाल खड़े नहीं करता है। उसके सिवाय बाकी फल सब्जियां ये लगातार एकदम दोबारा महंगी, इस पे कोई कोई कुछ कुछ नहीं बोलता है। आखिर इस शैली को लेके चल क्या रहा है देश में? आखिर ये रहस्यमी बात है क्या कि क्योंकि एक आपने कहा ना कि लोक विपक्ष भी का मजबूत होना जरूरी है, मजबूत लोकतंत्र का भी पर्यायवाची होता है मजबूत विपक्ष। अगर विपक्ष आपका मजबूत या समझदार नहीं है तो भी लोकतंत्र को खतरा है। इसका मतलब जो मौजूदा सरकार हो, चाहे वो किसी की भी हो, वो एक ही रास्ते पे चल के अपनी तर्ज को लेके, जिसको हम तानाशाही भी कह सकते हैं, वो उसमें परिवर्तित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है योगेश जी, जिस तरह से अगर हम मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष मजबूत होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कितनी ज्यादा मजबूत है, कितनी काबिलियत है उसमें। क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होगा तो काबिलियत भी है, सत्तारूढ़ पार्टी उतना ही ज्यादा दिखाएगी। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ सुरेंद्र जी और योगेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे हम सुरेंद्र दुबे जी का। सुरेंद्र जी, महंगाई आखिर मुद्दा क्यों नहीं, लेकिन जिस तरह से महंगाई को पेश किया जाता है, हमेशा यही कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मुद्दे की तरह नहीं रखा जाता है ताकि उस पर कोई एक्शन लिया जाए या फिर जनता तक राहत पहुंचाई जाए। कि आखिर किस तरह से हम इसको देख सकते हैं या फिर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से महंगाई कम हो, आखिर सॉल्यूशंस के बारे में सोचा जाए तो कैसे? महंगाई, आज चुनाव है तो हम उसकी चर्चा करें। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आप अपना राशन का बिल देखें हर बार तो आपको एहसास होगा कि 10% 15% बढ़ के ही आएगा वही सामान। अगर 100 कहते हैं 200 से ऊपर, तो आपको एहसास होगा कि 10% 15% बढ़ के ही आएगा वही सामान। अगर 700 कहते हैं 200 से ऊपर होगा तो एक दिन में नहीं हो गया, 100 से 125 हुआ, 110 हुआ, 30 हुआ, 40, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा। पेट्रोल भी अब 35 पैसे रोज बढ़ा देते हैं, कभी 20 पैसे बढ़ा देते है। क्या कि जब इन ये सब चीजें चर्चा का विषय नहीं रह गई समाज में, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप महंगाई पर एक बहस आप कर रहे हैं जनता टीवी में, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे नेशनल मीडिया में महंगाई पर कोई बहस नहीं होती, आप हर महीने की बहस का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, इसी महीने का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए जिस महीने सबसे ज्यादा महंगाई है। आप देखिए कितने बहस हुई है टीवी में महंगाई पर, जनता चिल्ला रही है, ऐसा नहीं कि जनता परेशान नहीं है। लेकिन जब सत्ता पक्ष ने मीडिया की ट्यूनिंग इस ढंग से कर रखी है कि वो मतलब की बातों पर कोई बहस नहीं होने देती है, मतलब की बातों पर जब आप बात करती हैं कि लोग सिलेंडर लेके निकल पड़ते थे, आज भी सिलेंडर लेके लोग निकलते हैं, लेकिन कोई कैमरामैन और फोटोग्राफर वहां जाता नहीं है, अखबार उसकी खबर छापता नहीं, टीवी उस पर बहस करता नहीं है, तो कसमसा करके मन में जनता को ये लगता है। अच्छा, विपक्ष मान लो थोड़े बहुत कोशिश करता है तो भाई उस पर मीडिया पर सत्ता का कब्जा है, वो इस तरह की महंगाई आज के मुद्दों को करने। इसीलिए देखिए, दोनों पक्ष, राम मंदिर, अयोध्या, इतने में इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या के अलावा और कोई चीज इस देश में रह नहीं गई है। चुनाव तक आपको अयोध्या अयोध्या दिखाई पड़ेगा जी। आप महंगाई की बात करेंगे कि तेल नहीं है, वो बता देंगे कि हम 7 लाख दिए जलाएंगे और उसमें इतने दिए जलेंगे इससे कुमारों को रोजी रोटी मिलेगी। तो मुख्य मुद्दा जो है महंगाई, उसको डेविएट कर दिया जाता है और इस वजह से उस पर एक बड़ी चिंता की स्थिति है कि हमारी स्थिति खराब है महंगाई से, हमारी स्थिति खराब बेरोजगारी से। आप बताइए कि कितनी डिबेट्स होती कि कितने परसेंट नौकरियां गई इस महीने में, कितनी डिबेट होती कब हमारे पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रही, नहीं होती, अखबार में भी नहीं होती, रेयर होती है। तो जब वो पूरा परिदृश्य बदल दिया गया है, मैंने आपको बताया ना जी कि पिछले एक हफ्ते से आर्यन खान से डिस्कस हो रहे हैं जी, जिसके पास से ड्रग भी नहीं मिली, ऐसा लगता है जैसे दुनिया के बहुत बड़े क्रिमिनल का केस चल रहा है, पूरे लोग उसी में घूम रहे हैं। तो ये ट्यूनिंग करके मतदाता की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित किया जा रहा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है कि आपको प्यास लगी है
तो आप ये सोचने के बजाय कि प्यास हम कैसे बुझाएं, ये सोच रहे हैं कि कुआं जो है वो यहाँ क्यों नहीं है, उल्टा हो रहा है। अरे वो कुआं है लेकिन वहां से हमारे मुंह तक पानी तो पहुंचना चाहिए ना। आप क्या कल्पना कर सकते थे आज से 20 साल पहले कि लोग आके कहें कि साहब महंगाई है तो क्या वो इससे देश तरक्की कर रहा है? क्या इसके पहले देश तरक्की नहीं करता था? क्या इसके पहले पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते थे? बड़ा हंगामा होता बाद में, वो डिकंट्रोल तो बाद में क्या, पहले तो सरकारी कंट्रोल करती थी। लेकिन सुरेंद्र जी एक दिक्कत ये भी है कि जनता ऑब्जेक्शन करती है लेकिन कई बार ऐसा होता है सुना नहीं जाता है। अब आखिर में अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, क्यों नहीं बात जी इसका एक समीकरण बैठाना चाहें तो किस तरह से समीकरण बैठा सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जनता की तरफ से तो जनता ऑब्जेक्शन करती है लेकिन उसको सुना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर और सरकार तो अपनी तरफ से सब कर ही रही है। नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, विपक्ष बहुत कमजोर है वरना वो सरकार को मीडिया दोनों को मजबूर कर सकती है कि वो दिखाएं। ये वो कमजोरी अपनी जगह है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज दोनों इसीलिए देखिए महंगाई पर कोई कितने ट्वीट आते हैं चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष को, या तो पेगासस जासूसी पर आ जाते हैं या आर्यन केस पर आ जाते हैं और निरर्थक चीजें जिनका कोई लेना देना नहीं। कितने ट्वीट आते हैं, कितने फेसबुक पर लाइव चल रहे हैं कि महंगाई बहुत है, नहीं है वो। यही मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग इस ढंग से हो गई है और जो हम महंगाई को झेल रहे हैं तो जैसे किसी आदमी को आप गर्दन दबा दीजिए जिसको कहते हैं टेटुआ दबाए हुए तो बोल नहीं पा रहा, उसको मालूम है कि महंगाई हमारी समस्या है। लोगों को कहता हम बोले हमारी बात सुनेगा कौन? कोई नहीं दिखाने के तैयार है। बिल्कुल, मैं कई और चैनल्स पर डिबेट करता हूँ, आज जैसे एक जगह इसी पर डिबेट रखी गई है महंगाई पर, हमने कहा रख के देखते हैं नए सिरे से लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ये एक दिक्कत है और इसको ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। बिल्कुल खतरा है सुरेंद्र जी, खतरे समझने के बजाय बनाने वाले भी ऐसे खतरों पर जाने लग जाए जो वास्तव में नहीं हमारे लिए। योगेश जी के पास चले थे, योगेश जी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, हर कोई कहता है महंगाई बढ़ रही है लेकिन उस पर एक्शन ऑब्जेक्शन की जब बात आती है तो किसी तरीके की कोई तस्वीर सामने नहीं आती। आपके अनुसार अगर हम बात करें आगे आने वाले वक्त में इस बात को उठाने की तो किस तरह से उठाई जा सकती है कि जनता को भी राहत मिले, क्योंकि जनता अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन उठाती जरूर है लेकिन उसको सुना नहीं जाता। देखिए सबसे पहले सरकार को ये समझना पड़ेगा, आज भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें आज भी 90% जो जनसंख्या है वो गरीब और मध्यम वर्ग है। एक ही वर्ग ऐसा है जिसको गरीबी महंगाई से या अन्य चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, बाकी एक आम वर्ग मध्यम वर्ग गरीब वर्ग को बहुत फर्क पड़ता है और इसके सुझाव के लिए तमाम चीज़ें सरकार के पास स्वयं भी होती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल डीजल को बढ़ावा इसलिए जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कार को बढ़ावा दिया जाए इसलिए उसका पेट्रोल दाम बढ़ाया जा रहा है या बाकी चीज़, ऐसी बेतुकी बातें कई बार सामने आती हैं। लेकिन हाल ही की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए यदि ये चीज़ें आती हैं और आपने पूछा कि क्या सुझाव क्या तमाम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो देखिए सरकार के पास ऐसा तंत्रात्मक रूप से बहुत कुछ ऐसे विकल्प होते हैं कि वो इन चीजों पे महंगाई पे पार पा सकते हैं। एक चीज के सस्ता करने से तमाम चीजें सस्ती होती हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे मात्र डीजल की बात करें, अगर डीजल पे आप डीजल के दाम कम कर देते हो उससे सब्जी दूध तमाम ऐसी जो आम से लेके खास जनता के प्रयोग में चीजें आती हैं उसके दाम कम हो सकते हैं। लेकिन इस और सबसे बड़ी बात यह कोमल कि इस और इंगित कौन करे, इस और जाए कौन, इस तरफ समझे कौन, इस तरफ समझाए कौन? समस्या आज यही है पक्षी की, वो उन मुद्दों पे लगे हैं जैसे मेरे साथी मित्र ने कहा कि क्या नाम है कि हमारे दिमाग को इस तरीके से प्रोग्रामिंग में सेट, इस तरीके की प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग की हो गई है कि इस और हम कहीं जा ही नहीं पाते, और हम जाएं तो किस आधार पे जाएं, क्योंकि हमारे पास वो मजबूत चीजें नहीं है और जो लोग ले जाने वाले हैं जो तौर पे विपक्ष होता है आज वही ना दारा है वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा। योगेश जी विपक्ष ले जा सकता है इस मुद्दे को लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा है।
चलिए बहुत शुक्रिया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आपकी लड़ाई है, अगर आप ही पहले नहीं बोलेंगी तो मैं क्यों बोलूंगा? बिल्कुल सही बात है। पहले तो विपक्ष का काम है, जनता का काम, जनता क्या हल्ला मचाएगी, जनता को कौन सुनेगा? इसे योगेश जी, एक चीज तो साफ हो ही जाती है कि विपक्ष अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद को ही कमजोर दिखा रहा है ये मुद्दा ना उठाकर। चलिए योगेश जी, सुरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, बात कही जाती है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन मुद्दा नहीं बनाया जाता है। कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी साफ नजर आ रही है, और ये भी दिखता है कि जनता इस बात को लेकर आगे बढ़ती जरूर है, उस बात को फिर से दबा दिया जाता है। इसमें विपक्ष का अपना फायदा नजर आता है, क्योंकि आने वाले वक्त में वो अपनी छवि को लेकर ये सोचता है, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा जिस तरह से अपनी दलीलें पेश की जाती हैं, उस पर भी किस तरह से जनता अपना रिएक्शन देती है वो भी आप सब जानते हैं। लेकिन आखिर किस तरह से महंगाई को मुद्दा बनाया जाए, किस तरह से महंगाई कम हो, इस पर सोचने का वक्त चाहिए, और ये वक्त कब आएगा ये फिलहाल सरकार निश्चित करेगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।